हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। मैं डॉक्टर आरसी मिश्रा, साइंस स्टडी सेंटर एंड यंग माइंड्स एकेडमी की तरफ से आपका वेलकम करता हूं। बच्चों, एज फार एज बायोलॉजी इज कंसर्न, नीट में कुछ चैप्टर्स ऐसे हैं जो क्लासिकल होते हैं और जिनको याद करना आपको बड़ा मुश्किल लगता है। आइए हम लोग उन्हीं चैप्टर्स को शुरू करते हैं, जल्दी से उन्हें खत्म करके फिर जो समझने वाले चैप्टर हैं उधर आते हैं। सो लेट मी स्टार्ट विद द मॉर्फोलॉजी। मॉर्फोलॉजी ऑफ द फ्लावरिंग प्लांट। मॉर्फोलॉजी इज टेकन फ्रॉम टू ग्रीक वर्ड, मॉर्फे मतलब एक्सटर्नल फीचर, लॉगस मीन्स टू स्टडी, मतलब टू स्टडी द एक्सटर्नल फीचर ऑफ प्लांट एंड एनिमल बॉडी कम्स अंडर मॉर्फोलॉजी। लेकिन नीट का एक बहुत प्यारा सवाल, टू स्टडी ग्रॉस इंटरनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ प्लांट एंड एनिमल बॉडी इज कॉल्ड एज एनाटॉमी। और सवाल ये पूछा गया कि एज फार एज प्लांट एनाटॉमी इज कंसर्न, हाउ इंटरनल ऑर्गेनाइजेशन कैन बी स्टडीड इन होलिस्टिक वे। सो आंसर है विद द हेल्प ऑफ माइक्रोटोम। द इंटायर आर्ट एंड टेक्निक ऑफ कटिंग सेक्शन यूजिंग माइक्रोटोम इज कॉल्ड एज माइक्रोटोमी, विच वॉज इन्वेंटेड बाई डब्ल्यू हिश। इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग मशीन। ओके, नाउ मॉर्फोलॉजी इंक्लूड्स मॉर्फोलॉजी ऑफ रूट, शूट, लीफ, इनफ्लोरेसेंस, फ्लावर एंड फ्रूट्स एलॉन्ग विद फैमिलीज। तो हम लोग ये सारी चीज स्टार्ट करते हैं और सबसे पहला चैप्टर लेते हैं हम लोग रूट। सो व्हाट इज रूट? रूट इज डिसेंडिंग ऑर्गेन ऑफ द प्लांट बॉडी विच डेवलप्स फ्रॉम रेडिकल एट द टाइम ऑफ सीड जर्मिनेशन। बच्चों, जिस समय सीड जर्मिनेशन होता है तो एक सवाल यह पूछा जाता है, विच फाइटो हार्मोन प्लेज क्रूशियल रोल इन सीड जर्मिनेशन। इट्स नन अदर देन जिब्रेलिक एसिड। फिर सीड जर्मिनेशन के समय सबसे पहले रेडिकल निकलता है एंड दैट रेडिकल मेक्स रूट विच फिक्सेस प्लांट इन दिस सॉइल। एक सवाल लेते हैं, सवाल यह पूछा गया है कि एल्गी में कहां पे बच्चों, एल्गी में रूट लाइक स्ट्रक्चर विच फिक्सेस प्लांट टू सबस्ट्रेटम, दैट इज ऑर्गन ऑफ अटैचमेंट इज कॉल्ड एज, सो दैट इज कॉल्ड एज होल्ड फास्ट आर हैप्टेरॉन। होल्ड फास्ट आर हैप्टेरॉन इज द ऑर्गन ऑफ अटैचमेंट इन फिलामेंटस एल्गी से यूलोथ्रिक्स। उसी तरीके से बच्चों, अगर आपसे सवाल पूछा जाए कि रूट लाइक स्ट्रक्चर फाउंड इन फंजाई, लाइकेन एंड ब्रायोफाइट, तो इट नन अदर देन राइजोइड्स। सो राइजोइड्स आर रूट लाइक स्ट्रक्चर फाउंड इन फंजाई, इन ब्रायोफाइट्स एंड इन लाइकेन थैलस। ओके, सो रूट के बारे में चर्चा करते हैं। नंबर वन, रूट्स आर पॉजिटिवली जियोट्रॉपिक। एक बहुत प्यारा सवाल एम्स में, नीट में, हर जगह पूछा गया, व्हाई दी रूट्स आर पॉजिटिवली जियोट्रॉपिक।
रूट मिट्टी की तरफ क्यों जाती हैं? बच्चों, पहले आज के 15-20 साल पहले जब ये सवाल पूछा जाता था तब आंसर दिया जाता था कि रूट्स आर पॉजिटिवली जियोट्रॉपिक ड्यू टू ऑक्सीजन। जस्ट रिमेंबर, फोटोट्रॉपिक एंड जियोट्रॉपिक रिस्पॉन्स इन प्लांट एंड दैट थ्योरी वॉज गिवन बाई कोलोडेनी एंड FW वेंट। अकॉर्डिंग टू देम ऑक्सीजन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर फोटोट्रॉपिक एंड जियोट्रॉपिक रिस्पॉन्सेस ऑफ प्लांट बॉडी। बट राइट नाउ इन 2020 में, इस साल अगर अब ये सवाल पूछा जाए व्हाई द रूट्स आर पॉजिटिवली जियोट्रॉपिक, तो आपका जवाब होगा ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ ग्रेविटी डिटेक्टिंग सेल्स इन सेंट्रल रीजन ऑफ रूट कैप कॉल्ड एज स्टेटोसाइट्स। 5 मिनट के बाद हम लोग उस पॉइंट पे पहुंचते हैं, स्ट्रक्चर बनाते हैं। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि रूट्स आर पॉजिटिवली हाइड्रोट्रॉपिक एंड थर्ड है रूट्स आर नेगेटिवली फोटोट्रॉपिक। अब अगर आपसे सवाल पूछा जाए प्राइमरी फंक्शन ऑफ द रूट, रूट के कौन कौन से प्राइमरी फंक्शन होते हैं, तो ये देखते हैं हम लोग। प्राइमरी फंक्शन, तो प्राइमरी फंक्शन में पहला एंकरेज, नंबर टू एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स एंड थर्ड सिंथेसिस ऑफ फाइटो हार्मोन। और बच्चों आपको एक इंपॉर्टेंट बात बता दूं, दिस सिंथेसिस ऑफ फाइटो हार्मोन मीन्स प्लांट हार्मोन का सिंथेसिस करना, इट इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ रूट एज वेल एज शूट, दोनों का प्राइमरी फंक्शन होता है। नीट का सवाल है विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉमन प्राइमरी फंक्शन ऑफ रूट सिस्टम एज वेल एज शूट सिस्टम, सो एंसर इज सिंथेसिस ऑफ फाइटो हार्मोन। हाँ, एक सवाल पूछा जाता है, सवाल ये पूछा जाएगा सेकेंडरी फंक्शन। तो अगर हम लोग बच्चों सेकेंडरी फंक्शन की बात कर लें तो सेकेंडरी फंक्शंस में हम लोगों को क्या क्या मिलेगा, जैसे रिप्रोडक्शन, नंबर टू स्टोरेज, आलू शकरकंद इन सब में जितने भी मूली है गाजर है जितने भी अंडरग्राउंड मॉडिफिकेशंस होते हैं, चाहे वो रूट के हों चाहे वो स्टेम के हों, उनका मेन फंक्शन क्या होता है, स्टोरेज, उनका सेकेंडरी फंक्शन होता है। एंड थर्ड एसिमिलेशन। सो रिप्रोडक्शन हुआ, स्टोरेज हुआ, एसिमिलेशन हुआ और मैकेनिकल सपोर्ट। आपने प्राप रूट पढ़ा, आपने स्टिल्ट रूट पढ़ा, दीज आर मीन्ट फॉर मैकेनिकल सपोर्ट। सो प्राइमरी फंक्शन में तीन, एंकरेज, एब्जॉर्प्शन, सिंथेसिस ऑफ फाइटो हार्मोन। सेकेंडरी फंक्शन में हुआ रिप्रोडक्शन, स्टोरेज, एसिमिलेशन, मैकेनिकल सपोर्ट। नाउ कम्स टू वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, लेट मी राइट सर्टेन थिंग्स। नंबर वन, होल्ड फास्ट। नंबर टू, राइज वाइड। नंबर थ्री,
राइजोफोर एंड नंबर फोर रूट, सब मिलते जुलते हैं। ये चारों टर्म अगर आप सीख लें, होल्ड फास्ट और हैप्टरान, दैट इज ऑर्गन ऑफ अटैचमेंट, ऑर्गन ऑफ अटैचमेंट कहां मिलेगा? एल्गल फिलामेंट में मिलेगा। राइजोइड क्या होते हैं? रूट लाइक। और कहां मिलेगा? बताया था, फंजाई में मिलेगा, ब्रायोफाइट्स मिलेगा, लाइकेंस, फंजाई, ब्रायो। राइजोफोर सिलाजिनेला। और ये क्या होता है? इट इज ऑर्गन सुई जेनेरिस, मतलब इट्स अ न्यू ऑर्गन। इट इज नाइदर सिमिलर टू रूट नॉर सिमिलर टू शूट, बट इट्स अ न्यू स्ट्रक्चर। सो इट्स अ वेरी पॉपुलर, वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन फॉर नीट कि सिलाजिनेला इट्स अ टेरिडोफाइट्स, उसमें पाया जाने वाला राइजोफोर क्या होता है, एंड देन रूट बताई दिया आपको, टेरिडोफाइट जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म में मिलेगा, और इसका फंक्शन ही बता दिया। नाउ कम टू नेक्स्ट। लैटरल रूट कैसी होती हैं? स्टीलर एंड एंडोजिनस इन ओरिजिन। तो इनकी ओरिजिन कैसी हो गई? स्टीलर एंड एंडोजिनस। अब स्टीलर का मतलब क्या होता है? स्टील, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्टील? ऑल द टिश्यूज प्रेजेंट इनर टू एंडोडर्मिस कलेक्टिवली कॉन्स्टिट्यूट स्टील। इसका मतलब स्टील का जो आउटर मोस्ट लेयर होगा, दैट विल बी पेरिसाइकिल। नाउ एनी ऑर्गन, इसका मतलब स्टील का मतलब हुआ ऑल टिश्यूज इनर टू एंडोडर्मिस कलेक्टिवली कॉन्स्टिट्यूट स्टील। नाउ व्हाट इज एंडोजिनस? एनी स्ट्रक्चर विच डेवलप्स फ्रॉम टिश्यूज इनर टू एंडोडर्मिस आर एनी स्ट्रक्चर विच डेवलप्स फ्रॉम स्टील मस्ट बी एंडोजिनस। एनी ऑर्गन या स्ट्रक्चर विच डेवलप्स फ्रॉम स्टील, राइट? सो दैट्स वाई लैटरल रूट्स आर स्टीलर एंड एंडोजिनस, बिकॉज दे डेवलप्स फ्रॉम लैटरल रूट्स, बिकॉज दे डेवलप्स फ्रॉम पेरिसाइकिल। कहां से डेवलप करता है लैटरल रूट? पेरिसाइकल। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। अब लेट मी कंपेयर वन थिंग, वेरी इंटरेस्टिंग। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए लैटरल शूट, तो लैटरल शूट क्या होता है बच्चों? एक्स्ट्रा स्टीलर एंड एक्सोजिनस इन ओरिजिन। ओके, एक्स्ट्रा स्टीलर, सो एनी टिश्यू विच इज सिचुएटेड आउटसाइड ऑफ एंडोडर्मिस इज कॉल्ड एज एक्स्ट्रा स्टीलर। एंड एनी ऑर्गेन which develops from tissue outside the endodermis is called as exogenous in origin. तो बच्चों lateral shoot exogenous in origin होता है because it develops from cortex, whereas
रूट की जो ब्रांचेस होती हैं दे आर एंडोजिनस एंड स्टिलर इन ओरिजिन। नाउ कम टू रूट के टाइप्स। टैप रूट, फाइब्रस रूट, एंड एडवेंटिशियस रूट। टैप रूट, फाइब्रस रूट, एडवेंटिशियस रूट। टैप रूट कहां पाया जाता है? वुडी डाइकॉट्स एंड जिम्नोस्पर्म, डाइकॉट एंड जिम्नोस्पर्म। ये रेसिमोस एंड डीप फीडर रूट होता है। डीप फीडर मतलब मिट्टी में गहराई तक जाने वाली, और रेसिमोस मतलब टैप रूट ग्रोस कंटिन्यूअसली व्हाइल ब्रांचिंग टेक्स प्लेस इन एक्रोपिटल मैनर आर सक्सेशन। ठीक है, और फाइब्रस रूट सी कहां पाया जाएगा? ग्रासेस में। इन ग्रासेस, रिमेंबर, इन ग्रासेस टैप रूट इज शॉर्ट लिव, थोड़े समय के बाद टैप रूट मर जाता। ह्यूज नंबर ऑफ रूट्स डेवलप्स फ्रॉम स्टेम बेस कलेक्टिवली कॉन्स्टिट्यूट फाइब्रस रूट सिस्टम। जैसे आपने देखा होगा, अनियन देखा होगा, धान देखा होगा, गेहूं देखा होगा। सो दिस इज द फाइब्रस रूट एंड दिस वन इज द टैप रूट। ये रूट हेयर्स होते हैं। सो दिस इज द टैप रूट एंड दिस वन इज द फाइब्रस रूट। यू नो फाइब्रस रूट इज बेटर अडॉप्टेड फॉर वाटर एंड मिनरल एब्जॉर्प्शन। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। बेटर अडॉप्टेड फॉर वाटर एंड मिनरल एब्जॉर्प्शन। ठीक है बच्चों, देखिए, और थर्ड वन एडवेंटिशियस। एडवेंटिशियस मतलब अपस्थानिक, दूसरे स्थान से। रूट किस स्थान से डेवलप करता? रेडिकल। सो एनी रूट, ऑल दोज रूट विच डेवलप्स फ्रॉम एनी अदर पार्ट ऑफ द प्लांट बॉडी एक्सेप्ट रेडिकल इज कॉल्ड एज एडवेंटिशियस रूट। तो तीनों बातें समझ में आ गई ना? टैप रूट, फाइब्रस रूट, एडवेंटिशियस रूट। एक बहुत प्यारा सवाल लेंगे, क्वेश्चन है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। नंबर वन, प्लांट विद टैप रूट एब्जॉर्ब्स मोर वाटर। नंबर टू, रेट ऑफ वाटर absorption will be more in fibrous root. Number three,
हाइग्रोस्कोपिक रूट एब्जॉर्ब मॉइस्चर फ्रॉम एयर एंड नंबर फोर ऑर्किड्स आर मोर कॉमन इन वेस्टर्न घाट एंड ईस्टर्न हिमालय। तो बच्चों बहुत प्यारा सवाल है, ध्यान दीजिएगा। देखिए नीट में चार तरह के सवाल आते हैं, एमसीक्यू आता है और इस तरीके का स्टेटमेंट्स वाले, मैचिंग दी कॉलम वाले, ठीक है, आप और डायग्राम वाले सवाल, चार तरह के सवाल। बहुत प्यारा सवाल है, कंसीडर दी फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। पहला स्टेटमेंट यह है कि प्लांट्स विद टैप रूट एब्जॉर्ब्स मोर वाटर। तो हमें आपको बताना है कि प्लांट विद टैप टैप रूट ज्यादा वाटर एब्जॉर्ब करेगा कि प्लांट विद फाइब्रस रूट। तो ये सही है, प्लांट विद टैप रूट में एब्जॉर्ब मोर वाटर, लेकिन फाइब्रस रूट्स आर बेटर अडॉप्टेड फॉर वाटर एंड मिनरल एब्जॉर्प्शन। तो अगर रेट शब्द लगा दिया जाएगा, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, अगर रेट लगा दिया जाएगा तो रेट ऑफ वाटर एब्जॉर्प्शन विल बी मोर इन फाइब्रस रूट। ये भी बिल्कुल सही बात है। कैसे समझोगे आप बच्चों? हो सकता है एक बनियन का ट्री, एक बरगद का पेड़ है, एक अरहर का पौधा है जिसमें टैप रूट है, वो दिन भर में, बरगद का पेड़ हो सकता है 200 लीटर पानी ट्रांसपरेशन के द्वारा उड़ाए, ठीक, और ट्रांसपरेशन तभी ज्यादा होगा जब वाटर एब्जॉर्प्शन ज्यादा होगा। लेकिन मैंने ये नहीं पूछा है सेकंड वाले में, सेकंड वाले में है कि पानी तेजी से कौन एब्जॉर्ब करेगा। तो पहले ही बता दिया था कि फाइब्रस रूट्स आर बेटर अडॉप्टेड फॉर वाटर एंड मिनरल एब्जॉर्प्शन। हो सकता है एक प्याज का पौधा दिन भर में सिर्फ एक गिलास पानी पिए, लेकिन जब रेट शब्द लग जाए, पर यूनिट टाइम कौन तेजी से एब्जॉर्ब करेगा, सो आंसर ये हो जाएगा। फिर थर्ड वन, हाइग्रोस्कोपिक रूट एब्जॉर्ब मॉइस्चर फ्रॉम द एयर, ये बिल्कुल सही है। और ये जो हाइग्रोस्कोपिक रूट होता है इसमें मल्टी लेयर्ड डेड विलामेंट टिश्यू पाया जाता है आउटसाइड द एक्सोडर्मिस एंड दिस विलामेंट एब्जॉर्ब मॉइस्चर फ्रॉम द एयर, हवा से नमी को। इसीलिए ऑर्किड्स एपिफाइट्स जिनमें ये पाया जाता है उन्हें स्पेस पैरासाइट कहा जाता है बिकॉज दे डोंट हैव एनी रिलेशन विद द सोयल। एंड फोर्थ, ऑर्किड्स आर मोर फ्रीक्वेंट आर कॉमन इन वेस्टर्न घाट एंड ईस्टर्न हिमालय। तो क्या ये सही है? यस, ये भी सही है, क्योंकि चूंकि ऑर्किड्स में हाइग्रोस्कोपिक रूट पाई जाती है जो हवा से नमी को एब्जॉर्ब करता है, और वेस्टर्न घाट ईस्टर्न हिमालय ऐसे रीजन हैं जहां हवा में साल भर नमी रहती है, इसीलिए ऑर्किड्स की बायोडाइवर्सिटी यहीं पे ज़्यादा पाई जाती है। तो बच्चों अभी हम लोगों ने स्टार्ट किया है आज, बस आप एंजॉय करिए। अगले लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे विद डिटेल रिगार्डिंग स्ट्रक्चर ऑफ द टैप रूट, जोनेशन इन द टैप रूट, मॉडिफिकेशन ऑफ टैप रूट, मॉडिफिकेशन ऑफ लैटरल रूट, मॉडिफिकेशन ऑफ एडवेंटिशियस रूट एलॉन्ग विद दियर इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस। सो बी अलर्ट, अगला क्लास आपके लिए बिल्कुल अमृत के समान होगा। एंड बेस्ट विशेस एंड गुड लक, तैयारी करते रहिए और ज्यादा से ज्यादा लिक्विड डाइट।